मेरे बच्चों, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, और मैंने जैसे पहले बोल दिया था कि आपका 14 से लेकर 18 तारीख तक आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और आज आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने जा रही है। जो हमने मेहनत करी थी बार बार अप्लीकेशन देना, मैंने कहा था कि बेटा तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाएंगे। और आप लोग जो वेट कर रहे थे काउंसलिंग की, सर कॉलेज कितनी कॉलेजों के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मेरे बच्चे 183 कॉलेज के लिए आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। एक एक बच्चे को मैं बताऊंगा किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, हमेशा से आप सभी प्यार बच्चों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए हमेशा से हेल्प करने की कोशिश करी है कि आप लोगों की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत सही तरीके से हो। और जिस चीज का बार बार इंतजार कर रहे थे कि सर आरयूएचएस कहीं डिले तो नहीं कर देगा दीपावली के बाद काउंसलिंग, मैंने कहा था बेटा इस बार दिवाली तक आपको लगभग कॉलेज में मिल जाएगी, क्योंकि इनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग दिवाली से पहले करवानी हो सकता है। अगर थोड़ा सा प्रोसेस इनका फास्ट रहा तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी आपकी दिवाली के जस्ट बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3 राउंड में काउंसलिंग का चरण करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास करवा रहा हूँ। और आरएचएस से बोला भी था कि भाई मेरिट लिस्ट कहीं ना कहीं जारी करो, उसके लिए मेरी मांग थी, बट देखो अब आप क्या होता है उसके लिए। और आज आपका सीट मैट्रिक्स वगैरह सारी चीजें जारी हो जाएंगी, तो काफी लम्हे का जो इंतजार था। हाँ मानता हूँ कि बहुत से लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, करने तो लोगों से क्या फर्क पड़ता है, अपन अपनी मेहनत किसने क्या करी है, कौन बच्चों के साथ हमेशा हर वक्त खड़ा रहा है वो हर कोई जानता है। बच्चे आप भी जानते हो, आप बस अब टेंशन फ्री हो जाओ, हर एक चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक करके, सेशन को शेयर करके हर एक बच्चे तक पहुंचा देना जिसको इंतजार था आरएचएस की काउंसलिंग की वीडियो का, ठीक है बच्चों? फिर स्टूडियो से लाइव आऊंगा, अभी मेरी ऑफलाइन क्लासेज है उसके लिए मैं लेट हो रहा था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।